बैग और जिम्मेदारी जुगाड़ कर रखा ना मैंने, बाकी परफेक्ट है ना, डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है। हाय प्रथम, कैसे हो? हेलो उदय। अरे यहाँ तो मैं रिकॉर्डिंग भेजनी थी प्रथम, मैं भूल गया, कल भेजता हूँ, आज मैं बिजी था ना, भेज नहीं पाया। हेलो डैनियल, नहीं पाया। हेलो चीकू, बस मैं बढ़िया। हाँ मैं कल भेजता हूँ तुम्हें ना प्रथम, कैनियन सिंह हम जी लेंगे। कौन सा सॉन्ग है कैनियन? ये वाला सॉन्ग पता है, कश्मीर फाइल्स का आजम है के हम मर्डर मूवी का सॉन्ग है, हम जी लेंगे मर्डर मूवी का सॉन्ग। बस बढ़िया होता है, तुम कैसे हो? पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, फोन में दिक्कत है कुछ। बस बढ़िया, और तुम्हारी साइड वोट का पड़ रहे तो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, ट्रिपल डॉट क्लिक करके जल्दी जल्दी। हाँ मुझे भी कभी सुनना बहुत पसंद था इस गाने को, मैं बोर हो गया गाने से गा गा के। ओके लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक नहीं पड़ेंगे तो मैं गाना कोई भी नहीं गाने वाला हूँ। ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके लाइक बैक बढ़ाओ, गैदरिंग तो फिर ऐसी खत्म हो जाती है फिर। Thank you.
गिटार मारने लायक नहीं है, वो बहुत नाजुक है यार। देखो दोस्तों, ये हम अपना टुक टुक, ये अपना टुक टुक, इससे छोटे और दो है इसके साथ के, ये टुक टुक, ये तो अभी इतना परेशान नहीं करता ना, क्या यहाँ पर बहुत परेशान करते हैं, ये तो सो जाता चुपचाप, ये इतना परेशान नहीं करता। लेकिन तो इतना कुछ नहीं होता, जब तक तो कोई नहीं होगा तब तक तो कुछ नहीं होता। वो हट जाता है बहुत जल्दी। ये मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, जो और हैं वो और छोटे हैं, इससे भी छोटे हैं, बहुत छोटे हैं वो, उनके तभी ठीक से वो भी नहीं आए पंख। चैट नहीं देख रहे आप सर, हम लोग भी क्या आपके साथ गा सकते हैं? नहीं सविता, मैं पेट कोलैबोरेशन पे ही रखता हूँ अपने साथ, यूट्यूब लाइव पर किसी को। पता मुझे उसका कि क्या बोलते हैं इसको, ये लेके सो रहा है। इसके पास ये वही कहता मैं वाले स्टूडेंट के
साथ भी नहीं रहता मैं अब लाइव, वही तो मैं बोल रहा था कि पेड कोलैबोरेशन पे रहता हूँ मैं अब। सुन नहीं रहे
फ्रिज ड्राइव तुम्हें जो मैंने देखा। जो भी नए दोस्त हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रिपल.डॉट पे क्लिक करके लाइक बढ़ा दो। पहला यार हूँ मैं, लंबा है मैडम सॉन्ग। बाबू तू सो रहा है तो भाई उसे हटा दे फिर, मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगा ज्यादा देर। हाय करण, क्यों डिप्रेस्ड? नहीं डिप्रेस्ड नहीं, डिप्रेस्ड नहीं हूँ। विच गिटार यू यूजिंग? स्ट्राइडम का गिटार है, सुनना पड़ेगा मुझे इस गाने को, मैंने कभी इस गाने को प्रॉपरली नहीं सुना। बहुत सारे उटपटांग गानों की डिमांड होती है, इसमें बहुत सारे अच्छे गाने भी रह जाते हैं। कौन है बाबू? भतीजा है मेरा। अभिनव गुप्ता वेलकम। यार जो भी नए दोस्त है सब्सक्राइब करो, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके लाइक कर दो। ओए चिकू, ये शायद सो गया है तो इसको हटा दे। अब ड्रामा कर रहा है, जो भी कर रहा है ये बोल नहीं रहा, सो रहा है। फालतू में दबदबा जाएगा इसके हाथ के पास ही गया, ध्यान से तकिया ये हाथ के पास है। इसको रख दे अब आराम से। नीले नीले नंबर पर ओके, फिर ड्रॉ वीडियो ऑन। अच्छा क्लासरूम, अच्छा कभी न कभी आदित्य नारायण श्योर अनसीन।
एनसीटी का कोई सॉन्ग बोला हुआ था ना, जो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। मैं लव नहीं, लव वो तो नहीं है, लम्हा लम्हा है क्या करण है ना। कब तक मैं अभी नेगेटिव रहूँगा। ट्वेल्थ जो है, अरे तुम रहने दो, तुम्हें नेगेटिव रहोगे। ट्वेल्थ का एग्ज़ाम होगा तुम्हारा अगले मार्च अप्रैल में, फरवरी में, और तुम कह रहे हो ट्वेल्थ होगा तो तुम इनएक्टिव रहोगे, यहीं घूमते रहोगे तुम शॉर्ट्स में और रील्स में। कि मैं बहुत कम मिलूँगा ना इतना टाइम, क्यों शर्ट में जब इतने दफे दिन का मौसम नहीं आता है कि मुझे तो ये सॉन्ग, बल्कि मैं ही लाइव शायद नहीं मिलूँगा। आऊँगा तो फिर बहुत ही आऊँगा, और नहीं तो शायद उसका लाइव आना बिल्कुल बंद कर दूँ। मन नहीं करता मेरा लाइव रहने का ज़्यादा। फालतू लगता है, नहीं रुक नहीं रहा हूँ, लाइव नहीं आऊँगा, कंटेंट कर दूंगा पोस्ट, कंटेंट पे ध्यान दे दूंगा, लाइव नहीं आऊँगा, लाइव बोरिंग लगता है। एक्चुअली मैं अदर कंटेंट जो है लाइक गेमर, उनका क्या सीन रहता है कि वो तो अपना गेम खेलते रहते हैं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, क्या कमेंट कर रहा है। हम तो सिंगिंग करते रहते हैं तो एनर्जी लगती है, हम तो सबसे रिस्पॉन्स नहीं रहता, मज़ा नहीं आता। मुझे अपनी आवाज कभी फालतू नहीं लगी आज तक, मुझे यहाँ पे लोग फालतू लगते हैं। ये कमेंट में लिखना तो बहुत आसान है कि टैलेंट को कदर नहीं है, तो जो लोग ऑलरेडी लाइव पे अवेलेबल हैं फिर वो टैलेंट की कदर करें ना, लड़कियों को तो है, फिर चाहे वो सिंगर ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो कुछ भी ना हो। मैं 12 घंटे क्यों दूँ, 6 घंटे क्यों दूँ लाइफ पर, इससे अच्छा तो अगर मुझे लाइव आने से कोई बेनिफिट मिलता है
फ्री रहूंगा तो आऊंगा, इवेंट्स वगैरह ज्यादा करूंगा, क्लासेस ज्यादा करूंगा तो नहीं आऊंगा, कंटेंट रहेगा बस। एक घंटे में आईपीएल मैच में देख रहा था आराम से लेट के अभी। गेमर्स के बढ़ते हैं कि दिन में एक एक लाख 10,000 25,000 सिंगर का तो 10-20 बढ़ते होंगे बस। तेरी यादों में ओके सैम बॉडी बिल्डर कल हो ना हो मुझे रमन नेगी नहीं पता कौन है और लोकल ट्रेन बैंड भी मुझे नहीं पता है। सॉन्ग 7 साल बाद इतना वायरल होता है हो रहा है तो सोशल मीडिया पे उसके अंदर थोड़ा बहुत मुझे पता है। मैं बैंड्स को देखता ही नहीं हूँ, मैं बैंड्स का भी सुनना और देखना पसंद ही नहीं करता। हाँ हाँ वही गाना ही पता है मुझे। अगर बंदे में दम होगा देखो करंट, अगर बंदे में दम होता है ना तो उसे बैंड की जरूरत नहीं है। ओए चिको ये लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा पंख पंख फैला रहे हैं उड़ा उड़ा के, पूरे में पंख पंख फैला दिए और लड़ाई कर करके दोनों ने पटक रहे हैं एक दूसरे को। पूरा पटक दिया एक दूसरे को, ये देख पंख ही पंख उड़ रहे कमरे में, वो देख ऐसा कुछ नहीं है करण, गलत फहमियों में मत रहो। कौन आवाज कर रहे हैं? वो चिड़िया हैं बहुत सारी। हाँ टोटल ही चल गया उनका। सर जी शिफ्टिंग का कोई बताओ। हाय सोहम शिफ्टिंग के लिए इजी कॉर्ड स्टार्ट करना चाहिए सोहम हमेशा। अगर हम स्टार्टिंग से हार्ड कॉर्ड लेते हैं तो डेफिनेटली हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मैंने शिफ्टिंग के लिए एक बहुत अच्छा लेसन अपलोड किया हुआ है कि 8 काउंटिंग ले लो, टाउन अप टाउन अप टाउन अप टाउन अप, और एक ही कॉर्ड को बार बार प्रेस करो और 8 काउंटिंग बाद छोड़ दो, फिर दोबारा एक से पहले प्रेस करो। इसी तरीके से अलग अलग कॉर्ड पे आओ, आराम से कॉर्ड शिफ्टिंग होती है। इतना अच्छा लेसन मैंने अपलोड किया हुआ है। वोकल थोड़ा अपलोड करता है, म्यूजिक भी होता है। नहीं आतिफ असलम को देखो, जल बैंड छोड़ने से आतिफ असलम को कोई फर्क नहीं पड़ा, जेल बैंड बंद हो गया, पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। वो बच्चों के पास जाने सारा वो जाने दे, ये देखो देखो उसकी मटरी बन उसका नाम बन गया ना, उसका नाम जेल बैंड की वजह से नहीं बना भाई, जेल बैंड छोड़ने की वजह से उसका नाम है। उसमें मैं उसके अंदर क्वालिटी आती है, उस फिल्म के अंदर वो एक लौता बंदा है जिसको आज के डेट में लोग भूल रहे हैं।
जिसने इंडिया में ना हर लड़के को या हर म्यूजिशियन को गिटार पे गाना गाना एक क्रेज में लगवाया है। मुझे लोकल ट्रेन भी नहीं पता। आतिफ असलम लोग आतिफ असलम की आदत की वजह से जल बैंड का आदत सुनते हैं। क्योंकि आतिफ असलम का जो आदत है वो ज्यादा हार्ड है। मेरे को द लोकल ट्रेन भी नहीं पता है। इतना ज्यादा बोर लोग कर देते हैं टाइटल डाल डाल के छूलो सॉन्ग तब इसे पता है। गुड नाइट होता है। रूपाली के सवाल का जवाब मुझे सवाल ही समझ में नहीं है। सवाल एक बार ठीक से समझ में आए तो मैं इस बारे में जवाब जरूर देना चाहूँगा। उसने के व्यूज कितने हैं उसके ऊपर मैं जवाब जरूर देना चाहूँगा। एक बार मुझे सवाल समझ में आए तो दोबारा अच्छे से पूछो सवाल क्या था। मेपा गिटार है स्ट्राइडम का। मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि हुस्न के मैंने बहुत सारे वर्जन अपलोड किए हुए हैं। कवर सॉन्ग भी है गिटार लेसन भी है फिर मैंने चेक नहीं किया बैक जाके कभी। बाय करण गुड नाइट। कहता जाग रहा हूँ मैं उसको लेके सो गया टुक टुक को। अगर डैडी जाएंगे ना बाहर तो बोल देना वो ले आएंगे ऑटो। कभी ना कभी सॉन्ग मुझे नहीं आता कभी ना कभी सॉन्ग। पता नहीं क्यों इतना लड़ने लगे इनको गर्मी है एग्रेसिव हो रहे हैं बहुत ज्यादा। एग्रेसिव हो मुझे लग रहा है तो गर्मी से हो रहे हैं पता नहीं क्यों हो रहे इतने ज्यादा। हालांकि जब हम सर्दियों में भी गिटार बजाते ना तो ये ऐसे ही करते थे शोर पर ये कभी छोटे थे तो मीठी आवाज आती थी मुझे कंकाली हो गए। कोई लड़ने दो उनका आपस का है लड़ने दो। पंखे में उड़ रहे हैं ना बाल इनके। इसका वो दुकान पे जाना तो है ही पिंजड़ा उस
दोस्त आ गया उससे पता कर लो ये क्या सीन है, ये इस तरह का ज़्यादा बिहेव क्यों कर रहा है, बहुत ज़्यादा करके ये लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर तुमको हटाना पड़ेगा, सच में हटाना पड़ेगा। अभी में से किसी को भी तुम मार नहीं सकते भाई, वो बहुत नाजुक है वो। मार के भगा दिया, मैं तो इनको हटवा दूंगा कल पता करके। हेलो प्रवीण कैसे हो, इनको इसको हटाना पड़ेगा इन सबको। एक ना ना वो सो चुका, वो ऐसे ही रख के सोता रात को अंधेरे में भी, और एक पैर में फंसा लेगा। पड़ा चाटा धमकी दे रही थी बड़ा। सन्नाटा हो गया इधर से, पूरे में पंख पंख करा दिए एंकर। हाउ आर यू सर, बस बढ़िया। हेलो रजन ठाकुर, पहले भी मैं ठीक है, जो भी नए दोस्त है सब्सक्राइब कर लेना, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके लाइक लाइक बढ़ा दो बस। थैंक यू ठाकुर। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना, मर से खुद से जरा ना पता हो, अलार्म बज रहा है। आई एम रियान, तो यार रियान वाली आईडी से आना, जिस पर रियान लिखो। हाँ अब तो सो गया, वो पहले खा लिया होगा ना, इतनी आवाज खाना वाना टाइप का वो जो खाया था, तो सो गया, कोई नहीं सोने दो, मेरे तो सोएगा नहीं, और सुबह स्कूल है फिर। हम शॉट खेल रहे थे ना, ना ना हम शॉट खेल रहे थे, मैंने एक शॉट मारा खींच के टूट गया। थैंक यू ठाकुर, कितनी देर है ये वाला, फिर वो एक्टर कभी जो बादल पर से। कभी जो बादल पर से मेरे को तुझे आके पर के तो लगे मुझे तेरी बारिश की रूहा खुद को जो मेरे चैनल का रियल नेम लिखा हुआ ना, वही मेरा भी रियल नेम है। मैं अपने चैनल का नाम भी वही रखता हूँ जो मेरा नाम है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। उत्तराखंड
काले दिल सॉन्ग अभी तो गाया मैंने। हाय रोहित, बस बढ़िया। रोहित, मैं किसी को भी ऐड नहीं करता हूँ, पेड कोलैबोरेशन रहते हैं, तो जो पेमेंट करता है, जिनका पेमेंट करता है वही ऐड हो पाते हैं। अरे वो बहुत सारे हो गए हैं, 2 के 5 हो गए, उन्होंने शोर मचा रखा है सारे दिन भर गानों में। ये 2-3 तो उसमें बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं वो। भाई एक बार ये जिसमें तो क्या पूरा नहीं आता, आधा दूर आता है। वो खाना खा के बैठ जाओ ना, जब गाना गाने के लिए तो गाना गाया ही नहीं आता ठीक से, तो उस वजह से थोड़ा स्लो गा रहा हूँ। गुलाबी आंखें जो तेरी दिखी, राज दिल में दे जगा तू।
आज मैं बहुत दिन बाद आया, अरे मैं अभी नहीं आता हूँ अब। कंटारा थीम मुझे मैंने सुनी ही नहीं है। थैंक यू थैंक यू। ठीक नहीं हूँ मैं तो, ऑलमोस्ट आता ही नहीं हूँ। थैंक यू वैभव, मैं तेरे कदमों में रख दूँ ये वाला। ओके मिस्टर जय, मेरे को आता ही नहीं है तो कैसे सुना दूंगा। सुना भी तो होना जरूरी होना चाहिए ना। एडिट अगर सुना हुआ है या मुझे आता है तो फिर तो मना ही नहीं करता हूँ मैं। ऑलरेडी गा चुका हूँ मैं सर। अच्छा वो वाला स्पाम वाला, तुम कहाँ जा रहे हो देवो? तुम तो यही हो ना। डोंट पाम स्पाम ला देंगे लाइफ से। डन। बहुत सारे यूकुले ले आम इससे। टी शर्ट का बटन नहीं आता मुझे। गुलाबी आंखें, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी पहले लाइक आता था, लाइक कट गया। सर फेवरेट यूकुलेले ले, ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। आराम से। हंसता रहता हूँ तुमसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले है तेरे दिलों क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह रोए तुझे बेवजह,
यूकुलेले, जितने भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाले हैं सब रिकमेंडेड हैं, क्योंकि अपनी अपनी प्राइस पे वो ठीक है। अगर उनमें कुछ कमियां भी हैं जो कि मैंने यूज़ करके चेक किया है, तो वो भी मैंने उसमें जनरली बता रखा है कि क्या कमियां आपको उस रेंज पर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप चेक कर सकते हो। तेरी मेरी कहानी बार पॉट्स वाला प्लीज़, ये क्या कुछ अलग होता है क्या बार पॉट्स पे गाना? बार पॉट्स पे अलग होता है। क्रिश, एज क्या है तुम्हारी? ये पक्का 15 साल के अंदर का बच्चा ही है। हाय यश, फिर तो नजर बदर ऑलरेडी मैं गा चुका हूँ, ये कोई अच्छा गाना था तो ये कितना अच्छा आने लगे 25 साल। अच्छा तिवारी चूतिया अभी बोल रहा था मुझे पागल, दोबारा सुनिए गौर से। सक्षम तिवारी चूतिया मुझे अभी बोल रहा था पागल, और आप बोल रहा है हेलो सर आई एम सक्षम। थैंक यू वैभव। सॉन्ग मेरे लिए, सुन मेरे हम सफर होके, मैं सुनाता हूँ। प्रेटी वुमन नहीं आता है मुझे, इग्नोर मत करो, तो नहीं आता है तो तभी तो नहीं गाया। श्रीकांत थैंक यू ईशु, अच्छा मेरे घर में लोग सोते भी हैं। गुलूम गा सकते हो, मैंने ऑलरेडी गा दिया है। गिव मी सम सनशाइन, कोई लव सॉन्ग, ओके
कैसे हुआ पहला नशा? मैं गा चुका हूँ कैसे हुआ, अभी अभी गाया। अरे वो मुझे पता था ना तू अपनी बहन चुदवाएगा श्रीकांत, तो मैं तेरी बहन को चुदते हुए देखना चाह रहा था। ओहो पूरी चुदी भी नहीं इसकी बहन, इसलिए इंतजार कर रहा था। मेरे पास कोई भी सॉन्ग मैं कुछ भी गा देता हूँ। देखो तुमने किस गाने के कॉर्ड्स पूछे थे, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा, फिर तो रहा हूँ दर बदर अभी गाया था वैसे मैंने, एक लाइन सुना दूंगा इसके बाद। एक तो पहले 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 से नहाए तेरी निगाहें और नशे में डुबाए, एक तू है तू है दिखे दाए बाए, तेरी अदाएं और पास बुलाए, कैसे करो बयां एहसास है बयां, कैसे करो बयां एहसास है बयां, तेरे चक्कर में तो खो गया, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, लागनी में तू इतनी सोहनी लगती, लागनी में तू इतनी सोहनी लगती, मैं क्या उज्वल। जो भी नए दोस्त आ रहे सब्सक्राइब कर लो, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके लाइक बढ़ा दो। जितनी हंसी स्केल याद नहीं आ रहा है देखो, क्योंकि मैं उसे डी मेजर या ई मेजर से गाता हूँ, और आई थिंक उसका ओरिजिनल जो है ना वो जी मेजर है, तो जी सी डी पे भी गा सकते हो आराम से, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब वही जी ई माइनर सी डी पे गा सकते हो, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग नहीं है कि कुछ अलग आए। सब बढ़िया जो तूने मिला सॉन्ग कौन सा है? लॉट्स ऑफ लव थैंक यू ब्लॉक टाइप है उसने यार लगा आसमान। नहीं नहीं है ये बातें वही मोड़ पर उंगली लेते, न जाओ दूर से कहीं के सुखो कहाँ पे है असल दिल को मेरी ये है पता कि मीनों का अलग आसमां भी है तो क्या ये दिल ना माने। नए दोस्त सब्सक्राइब कर लो, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके लाइक बढ़ा दो। प्लकिंग तो सुनाओ ना अरिजीत सिंह का, तुम ही हो, मैं सुनाता हूँ इसके बाद। क्या बोर हो गए? फोन भी बताओ है ना। सुर्ख वाला सौज वाला पर्व वाला नाम होता है कि सबसे ज्यादा बस वाला ना इश्क वाला ना। मैं भी इसलिए नहीं आता देखो, मेरे मन नहीं करता आने का। आज दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला ना, अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला ना। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आके मुल्क मैंने देखी है सुबह,
कितने ही आते हैं, मुझे और आता नहीं। मैं इसमें नहीं आता हूँ, बहुत कम आता हूँ। आज मैं शायद 2-3 बार आ गया हूँ। पुराने कोई दोस्त हैं उनकी वजह से आ जाता हूँ, जैसे आप हो, वैभव हैं, करण है, उदय है, अभी वो चेतन भाई तो बहुत कम आते हैं, और एसके भाई बोर लगता है यहाँ पे आना। ऐसा लगता है सबको, ऐसा लगता है कि बस गाते जाओ गाते जाओ, ये बंदा फालतू है इसलिए आ रहा है, ऐसा लगता है लोगों को। फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे उसकी माँ फ्री में चुप्पी होगी ना देवो, वही तो बोल रहा ना देवो, उसकी माँ फ्री में चुप्पी होगी तो उसको आदत है इस टाइप से। जिसने ये बोला होगा उसके साथ में यही होगा। यार मितवा सॉन्ग का इंट्रो मैंने किया तो है लेसन, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो मैंने लेसन इसका अपलोड किया हुआ है दूसरे टाइप से, थोड़ा और इजी वर्जन में। पर अभी ना मेरे को ओरिजिनल याद है ना वो इजी वर्जन याद है। अपलोड किए भी साल भर हो गया, ऊपर से मैं किसी के लिए गिटार तो बजाता नहीं हूँ, अपने लिए बजाता हूँ तो अपने लिए कभी ज़रूरत पड़ती नहीं इंट्रो वगैरह ज़्यादा प्ले करने के लिए। पर हाँ टाइम लेगा तो एक आधा दिन में उसको, मतलब मुझे 1-2 टेक लेना है बस प्रैक्टिस के, हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। जैसे कुछ इंट्रो है ना वो तो मतलब बजते रहते तो वो तो हाथ चढ़े हुए हैं। तो दिमाग में रहते हैं। ऐसे जो ज़्यादा प्ले होते रहते हैं। ओके ओके उदय भाई ओके, ओ सॉरी देवो भाई। बाकी एक इंट्रो में अभी भूला नहीं हूँ पर वो काफ़ी बड़ा है तो उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं है मेरा। कभी जो ऑफलाइन क्लासेस करता था 6 साल पहले तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था, वो बहुत तगड़ा इंट्रो है, चाहूँ मैं या ना को बहुत बड़ा इंट्रो है। उसको मुझे शॉर्ट्स में अपलोड करने में भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो मुश्किल है कि एक पार्ट में अपलोड हो पाए, वो इंट्रो काफ़ी बड़ा है पर वो पूरा आता था मुझे। ऐसे ये सॉन्ग है ये सॉन्ग तो सुना ही होगा सभी ने। हाँ सबका वही हाल है, वही हाल है देवो भाई, वही दिक्कत है। मैं बरेली में रहता ही नहीं हूँ और मैं अगर बरेली में रहता भी होगा होता तो भी मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं करता क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लासेस नहीं करनी है। सात्विक द सिंगर, हाय सात्विक। जितनी तो बहुत टाइम बाद, जितनी तो बाद तुम्हें तड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलते पैरों से। वही तो देखो भाई, कब आए देखो भाई, दूर जाना नहीं उनको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें भाई। ऑनलाइन इज इक्वली इफेक्टिव
मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इफेक्टिव नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं सिखा रहा हूँ, अनलिमिटेड टीचर्स हैं जो सिखा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से तो डिजिटल चीज़ें ज़्यादा बढ़ी ना। अनीशा माथुर, ती माँ मत छुदाओ, मुँह में लोड़ा लो और यहाँ से निकल जाओ। हैंड की लोड़ी तमीज नहीं बात करने की, बात अच्छी हो तो हाँ देखो, क्या नाम है, मिस्टर जय वाइटी, मैंने तेलुगु सॉन्ग प्रिपेयर कराया, तमिल करा हुआ है, कन्नड़ थोड़ा सा किया था, मलयालम रह गया मेरा, वो भी हो ही जाएगा, मराठी भी और बंगाली भी हो जाएंगे, तो सेम हर चीज़ के लिए वही मायने रखता है। थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से कई कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी क्लास में आपको कुछ चीज़ कम समझ में आ रही हो, बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि ऑनलाइन ऑफलाइन का फ़र्क है। भाई इंटरनेशनल क्लासेस चल रही हैं लोगों की, मेरे पास खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, और ना जाने कई ऐसे बड़े बड़े टीचर्स होंगे जो पता नहीं कहाँ कहाँ सब ऐसे ही काम लेके चल रहे हैं आजकल, मीटिंग्स होती हैं लोगों की। छोड़ो क्लासेस तो फिर भी अलग चीज़ हो गई, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑफिसों के, अलग अलग बिजनेस के, वो भी होते हैं ऑनलाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई टी में बहुत कुछ है, थोड़ा म्यूजिशियंस के लिए काम है, ट्रिक भिड़ानी पड़ेगी, या म्यूजिशियंस के लिए काम है, ब्लॉग करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है आज की डेट में। आसमां को छूकर देखा नहीं गाऊंगा मैं इस समय, हाई पिच सॉन्ग है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, और मैं इस समय खुल कर गाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मराठी मेरा प्रिपेयर नहीं है, ये देखते देखते सॉन्ग का इंट्रो था जो मैं प्ले कर रहा था। सारी दुनिया जला देंगे, हटा दो उठा के, अभी वो तीन बच्चे बड़े हो जाएंगे तो और शोर होगा। हुस्न फुल सॉन्ग, हुस्न सॉन्ग मुझे कतई पसंद नहीं है, ट्रेंड है इसलिए मैं कर देता हूँ, उसके लेसन की इतनी डिमांड आती है तो मैं गा भी देता हूँ, मैं कतई पसंद नहीं है हुस्न सॉन्ग, पहले भी मैं ऑलरेडी गा चुका हूँ, अभी तो सुना है तुमने, जाए कितनी बार सुनोगे सेम सॉन्ग। गोतिलो तमे गोतिलो 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 अभी ना जाओ दूर कर के दिल अभी भराने, अभी ना जाओ दूर कर के दिल अभी भराने, अभी लास्ट बैंड बोल गया,
रहे या तो लाज भूल गया। थैंक यू एवर भूल गया, लास्ट फ्रेंड भूल गया यार। अभी मैंने पढ़ते कराया था एक स्टूडेंट को। हाँ मैं फिर भी तुमको चाहूँगा थोड़ा सा सुना सकता हूँ। सर आप मूवीज में गिटार का म्यूजिक देना पसंद करोगे? मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं गिटारिस्ट नहीं हूँ, मैं सिंगर हूँ। तो मैं सिंगिंग के साथ गिटार करता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। अब उस तरीके से तो अरिजीत सिंह भी प्ले करता होगा, वो पैपॉन भी प्ले करते होंगे, रविंद्र टैल भी करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तुम्हारी उम्र क्या है उज्जवल? पहले तुम अपनी उम्र बताना जरा मुझे। 10-12 या मैक्सिमम 13 साल के लग रहे हो तुम। अच्छा 16 लग नहीं रहे यार, 16 के चलो। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमान से यूं टकरा गई, तुम उससे आगे बढ़ नहीं पाए क्या अभी भी? जो भी नहीं तो उससे सब्सक्राइब कर लो यार, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके लाइक भी बढ़ा दो। रिहा यार मैंने प्रिपेयर नहीं करा, पर अच्छा सॉन्ग है, काफी ज्यादा अच्छा सॉन्ग है। ओके जय बाय बाय बारिश या सिंगर। ना मन मन चला ओके प्रताप, मन मन चला अस्था सच रहूं यादों में कह रहूं क्या चाहिए बोलो। नए सॉन्ग देते हैं हम तुम्हें कसम से रहेंगे हम इश्क में आंखों से हर पल हर शब समझा नहीं मैं कमेंट तुम्हारा। जय बंजारा ओके, मैं देखा हूँ आप कभी कभी अपसेट हो जाते हो। मैं जिस बीमारी में हूँ उस बीमारी में लोग बैठ के आराम से लेट के टीवी देखना पसंद करते हैं।
काम करना नहीं। उसके बाद मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, अगर बिना आपके कोई सामने जाके गाली देगा तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे पास ताकत नहीं चप्पल मारने की, फिर मैं गाली दे के छोड़ दे रहा हूँ तो बड़ी बात है ना। उत्तराखंड गुलाबी साड़ी यार प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है उस गाने की। 5-6 दिन से प्लान चल रहा है कि करना है करना है करना है, रह जा रहा है। वो भतीजे के साथ कुछ फनी वीडियोस का प्लान है, वो भी रह जा रहा है। ये हो गया है जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, तू दिल ही मुझे कहता है, जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या से हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको, भूल किसी ने किया है। किसी शायर की गजल जो दे रूप सुकून की पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। बस वेट करो ना कि 2 दिन बाद काटूंगा नाखून, क्योंकि एकदम प्ले नहीं हो रहा गिटार नाखूनों की वजह से, तो नवरात्रि के बाद काटूंगा, क्योंकि इधर वाले चल जाते हैं, इधर वाले बहुत दिक्कत कर रहे हैं। अब 13 होने लगा हूँ। अयान मिर्ज़ा हेलो आर्यन पाल सर, कोई माता रानी का सॉन्ग, माता रानी का सॉन्ग सुबह नहा के अपलोड कर दूँगा। खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, सोने का टाइम है, भजन क्या गाया जाए, भजन क्या गाया जाए। हाँ वही ना, वैभव बिल्कुल प्ले करते नहीं, बज दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, अटपटा साउंड हो रहा है। हाँ वही वही हो गया। अच्छा सेकंड टर्न सर संजू राठौड़ भाई ने गाया, हाँ वो तो नाम मैंने पढ़ा था एक सिंगर का, नेचर फार्मिंग। आप तुम्हें पहचाना नहीं है क्या? नहीं कैसे पहचानूंगा मैं तुम्हें, कौन हो तुम? अमिताभ बच्चन अरे यार ये हुस्न की माँ की झूठ है, इंटरेस्ट कान से बोर हो गया सर मैं देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह आर्मी वाले, इनका सिलेक्शन हो गया तो कुछ नेवी या आर्मी में ऐसा कुछ था। इंडियन एयरफोर्स नहीं सुना मैंने अभी। मैं इतनी इंग्लिश समझ नहीं पा रहा हूँ आर्यन पाल, क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं बस घर पे हूँ, आराम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आ गया लाइफ। ओके नाउ वेरी साड़ी, उस गाना मैं बहुत बार गा चुका हूँ त्रिपाठी, मेरा मन नहीं है उसे गाने का। सुमन लता वेलकम। उत्तराखंड सब बढ़िया, घर पे सब बढ़िया। लव फ्रॉम नेपाल, ओके ट्राई करूँगा टाइम निकाल के, अभी तो जाऊँगा कोई पिक्चर विक्चर देखूँगा, अच्छा उनका ही है ठीक है। Thank you.
के तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल करार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल करार करके नहीं। ख्वाबों में सुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानो कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। फेवरेट सॉन्ग करंट, करंट में फेवरेट सॉन्ग यार ऐसा नीलक अच्छा भी है, लंबा हैरी मैडम लंबा भी है, और वह ना वो चल रहा है बहुत ज्यादा, वो मैं प्रिपेयर नहीं कर पा नहीं तो वो सुनाता हूँ। कहता तेरी माँ का भोलापन, तेरी बहन की चूड़ी, ये सुनाता हूँ मैं, वो प्रिपेयर नहीं है पर वो बीट से हट जाता है, करना पड़ेगा प्रिपेयर। थैंक यू सो मच वैभव। मुझे लगे कि जैसे सारा ही जहां जादू, जो है भी और नहीं भी है, फिजा घटा हवा बहार मुझे करे इशारे, ये कैसे कहूँ कहानी मैं की, जो भी मैं कहना चाहूँ यार, इस मूवी के तो सारे के सॉन्ग हैं। ओके बाय बाय, लगे रहिए आप, मैं चला, गुड नाइट राम ब्रदर, बाय बाय, गुड नाइट महारेंद्र प्रताप, ट्राई मेरी गजीना गजना। हाँ ये सॉन्ग नहीं आता है मुझे, एक हिमाचली सॉन्ग आता है वो मैं सुना सकता हूँ आपको। Okay.
कसौली बसना चंबी जाना जरूर, चंबी जाना जरूर। लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग पर बैठने का सीन है जितना, वही ज़्यादा बेनिफिट के लिए और ऊपर शायद फिर उस पर ना नज़र पड़ जाती है अपने आप ही फिर। हाँ वो मैंने भी देखा, मैंने भी देखा वो नहीं है। अपा फिर मिलांगे वी नहीं है वो वाली वी नहीं है कहीं तो ना वो तो थी नहीं, वो तो वो हो गई ना लॉकआउट, तो लॉकआउट हो गई ना वही खा के उसे वही रख दे जैन का पैकेट। कुछ खाएगा? हाँ भाई खाएगा कुछ तीन में, वो सोया 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 अबे सो जा तीन में वो तो ही नहीं सुबह तो उठना ही है। अभी देखूँगा मैं चाय वाय बनाऊँगा, अरे तो गर्मी हो रही बहुत। चलो यार दोस्तों मैं चलता हूँ, बाय 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 दोस्तों, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।